रखे हैं मैंने, कहाँ रखे हैं? क्या हुआ बिलाल, क्या ढूंढ रहे हो? कुछ नहीं, मुझे बता दो, मैं ढूंढ देती हूँ बिलाल। नहीं नहीं, तुम्हारी तबीयत सही नहीं है। तुम अगर उठ गई ढूंढने के लिए, कहीं तुम्हारी तबीयत खराब होगी तो मसला हो जाएगा। तुम रुको, मैं ढूंढ देती हूँ, तुम तैयार हो जाओ। नहीं नहीं, तुम भी लेट ही रहो, तुम्हारी तबीयत अगर खराब होगी तो मेरे लिए मुसीबत हो जाएगी। वैसे भी मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही। बिलाल क्या मतलब है इस बात का? क्यों, क्या हुआ? मैंने कुछ गलत कहा क्या? तो कुछ सही भी नहीं कहा है। अरे यार तुम क्यों नाराज हो रही हो? मैंने तो बस ऐसे ही कह दिया था। अरे लो, मिल गई फाइल। कम ऑन यार, क्या हो गया? मैंने तो ऐसे ही कह दिया था। मूड क्यों खराब कर रही हो तुम अपना? मूड ठीक करो प्लीज, मूड ठीक करो अपना। ठीक है, इट्स ओके। अच्छा चलो मैं जा रहा हूँ, अपना ख्याल रखना। तुम भी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अरे रुको तो सही, हुआ क्या है? अच्छा तुम फिक्र नहीं करो, मैं आ रहा हूं। कह रहा हूं ना, आ रहा हूं 10 मिनट में। इतने दिन हो गए बिलाल, तुम्हारा कुछ अता पता नहीं। मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं करूं तो क्या करूं, कहां आके रुक गई है मेरी जिंदगी। अच्छा ही है पापा कि आप नहीं हैं आज। आपको बहुत तकलीफ होती मुझे ऐसी जिंदगी गुजारता हुआ देख के। मैं यहां से कहीं जा भी तो नहीं सकती। अब अच्छा है बुरा है, यही मेरा सहारा है। तुम्हें मेरे साथ इतना जुल्म नहीं करना चाहिए था बिलाल। रानी, 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 जोया, जोया भी नहीं है, जोया। जी जी खाला। रानी कहाँ है? मैं, मुझे नहीं पता आंटी, घर में ही होगी, मैं तो अपने कमरे में थी। अरे भाई घर में नहीं है ना, मैंने हर जगह ढूंढ लिया तभी तो तुमसे पूछूं। ये बताओ आखिरी दफा तुमने कहाँ देखा था, रानी को कब देखा था? अरे बोलो ना। सुबह, मेरा मतलब दोपहर में जब आप सोने के लिए लेटी थी ना तब देखा था, फिर मैं अपने कमरे में चली गई थी। या अल्लाह आंटी, संभाले संभाले खुद को, आप बैठी। मैं ऐसे ऐसे वो कहीं जा नहीं सकती इस तरह कि सुबह की गई भी शाम हो गई। या अल्लाह। अच्छा आप परेशान नहीं हो, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। रानी तेरा तो सत्यानाश है कमबख्त, ये तो भाग तो नहीं गई। फरीद मेरा फोन तो उठाओ। हेलो हेलो फरीद, फरीद कहाँ हो तुम? मैं तुम्हें कब से फोन ट्राई कर रही हूँ। फरीद मुझे जल्दी से बताओ मुझे क्या करना है, मुझे इस घर से निकलना है। तुम्हें पता है अम्मा ने मुझ पर कितने जुल्म किए। मैं बस फौरन आऊँ।
आंटी को अगर पता चल गया तो वो क्या करेंगी मेरे साथ? या अल्लाह, किस मसले में फंस गई हूँ मैं? यानी का साथ नहीं देना चाहिए था मुझे, मैं खुद कौन सा अच्छे हालों में हूँ? रानी, कहाँ जा रही हो? ये सामान आराम से सोया, अम्मा सुन लेंगी। रानी, मगर मगर कहाँ जा रही हो? आंटी का तो सोचो। क्यों क्यों सोचो अम्मा का? अम्मा ने सोचा मेरे बारे में? नहीं ना, तो मैं भी नहीं सोचूंगी, और मैं भी वही करूंगी जो मुझे सही लगेगा। पर रानी, घर से भागना मसले का हल नहीं है। अच्छा, तुम क्या करोगी? जाओगी कहाँ? फरीद के पास। मैं फरीद के पास जाऊंगी। क्या रानी? क्या? तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने अपना इंतजाम कर लिया है। नहीं रानी, बिल्कुल नहीं। तुम रुको, तसल्ली से बैठो, मैं आंटी से बात करती हूँ। क्या कर लोगी जोया? एक बार फिर सोच लो रानी, क्या तुम वाकई फरीद के लिए घर से भाग जाओगी? हाँ, मैं भाग जाऊंगी, नहीं कि मैं भाग रही हूँ। फरीद अच्छा इंसान नहीं है, ऐसा इंसान तो बिल्कुल नहीं है जिसके लिए घर से भागा जाए। बस कर दो जोया, बहुत हो गया। अब तुम भी अम्मा की तरह फरीद के खिलाफ हो गई हो। मैंने तुमसे मशवरा नहीं मांगा, समझी? तो अरे, मेरा मतलब ये है कि यहाँ तो नहीं है ना, पर हम लोग तो यहाँ रहते। मैं वहां नहीं जाऊंगी, अम्मा कभी भी नहीं मानेंगी। मुझे फरीद के लिए कोई मशवरे की जरूरत नहीं, समझी? तो अच्छा रानी, देखो एक बार सिर्फ मुझे आंटी से बात करने दो, घर से भागना ये तो कोई हल नहीं हुआ ना। जोया, तुम अपने लिए कुछ नहीं कर पाए, तुम मेरे लिए का कुछ खाक करोगी? और अम्मा, अम्मा के दिल में तो किसी के लिए कभी रहम ही नहीं आ सकता है, ये बात तुम अपने दिमाग में बिठा लो। और जोया, तुम्हें अपना वादा याद है ना? क्या? तुम याद करो, तुमने मुझसे वादा किया था, और आज वो वादा निभाने का वक्त आ गया है। नहीं रानी, मैं झूठ कैसे बोलूंगी? आंटी को पता लग जाएगा। नहीं जोया, तुम्हें कुछ बोलने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि तुम्हें तो कुछ बोलना ही नहीं है। तुम वादा करो, किसी को कुछ नहीं बताओगी, और तुमने मुझे भागते हुए भी नहीं देखा, तो ये वादा करो। रानी, रानी अपना ख्याल रखना। अगर आंटी को पता लगा तो मुझे घर से ही ना निकाल दे, कहाँ जाऊंगी फिर मैं? रानी भी अभी पता नहीं कहाँ होगी। उफ अल्लाह, क्या हो गया था मुझे, मेरा दिमाग खराब हो गया था, अब क्या होगा? अरे ले भी आओ लड़की पानी, जोया। अरे मेरा कलेजा सूख गया। आ रही हूँ। ये ले आंटी, पानी पी। या अल्लाह, रानी, जोया, 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 कोई तरह जल्दी आ। तुम ना खुद दूसरी का फोन करो, उसको बोलो जल्दी घर आए। अरे हम यहाँ परेशान है, हम पे कयामत टूटी हो, पता नहीं कहाँ गुल चल रहे, उड़ा रहे कम्बक। तो जल्दी फोन करो, उसे बोलो घर आ जाए। रानी तो कहाँ चली गई? अरे जोया, जल्दी फोन करो ना, हम यहाँ परेशान है। और वो कहाँ? लो आ गया। अरे कुद्दूसी जल्दी आओ, जल्दी आओ।
क्या हो गया? खैरियत है? नहीं, खैरियत नहीं है। तुम कहाँ थे? वो रानी है ना, वो घर में नहीं है, वो घर से भाग गई, वो फरीद के साथ भाग गई मुझे लगता है। भाग गई? मुझे लगता है फरीद लेके भाग गया रानी को। ये सब तुम्हारी गलती की वजह से हुआ है। मैंने कहा था ना फरीद को रिश्ता दे दो, अब आ गया सुकून और मुझे लगता है कि अब वापस नहीं आएगी। अरे कैसी बातें कर रहे हो तुम? दिमाग ठीक है तुम्हारा? मेरी क्या गलती है? तुम्हें पता है मैंने क्यों इनकार किया था इस रिश्ते से? पता है मुझे किस वजह से मना किया था तुमने? बड़ी अकलमंद बनती फिरती हो, ये सब तुम्हारी अकलमंदी की वजह से हुआ। अरे कुद्दूसी, भला मेरी क्या गलती है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ये कहने की? तुम बेटी को ढूंढवा रहे हो या नहीं? ठीक है, तुम हाथ पे हाथ धर के बैठे, ठीक है, मैं अपनी बेटी को खुद ढूंढ लूंगी। देखो कुद्दूसी, तुम्हें गुस्सा मुझ पे है ना, मेरी बच्ची पे मत निकालो, उसे ढूंढ लो, वरना मैं खुद अकेली चली जाऊंगी ढूंढने। हाँ एक मिनट। अच्छा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, मैं खुद ढूंढ लूंगी अपनी बेटी को। अच्छा अच्छा, जा रहा हूँ, सुकून करो, अभी ढूंढता हूँ। जाओ। दोया मुझे चक्कर आ रहे हैं, मेरे कमरे में छोड़ो। जी आंटी चलें। अब तो खुश हो? अब देखना तुम्हारी अम्मा भी बहुत जल्द मान जाए। नहीं फरीद, हम लोग अम्मा के घर नहीं जाएंगे अब। लेकिन रानी, वो तुम्हारे अम्मा अब्बा है और मेरे अम्मा अब्बा तो है नहीं ना। क्यों, क्या मतलब? तुम्हारे अम्मी अब्बा हैं तो? अरे मेरा मतलब ये है कि यहाँ तो नहीं है ना, और हम लोग तो यहाँ रहते। मगर फरीद, मैं वहाँ नहीं जाऊंगी, अम्मा कभी भी नहीं मानेंगी। देखो रानी, तुम ना अभी गुस्से में हो, थोड़ा सब्र करो और सोचो, अगर हम लोग
अपने घर नहीं जाएंगे तो फिर कहाँ जाएंगे? तो ये घर है तो सही हमारे पास, हम यहाँ पर रहेंगे। हाँ, पर ये घर मैं दो लोगों के साथ शेयर करता हूँ, तुम कैसे रहोगी यहाँ पे? तो ठीक है, फिर कहाँ जाएंगे हम? मैं तो ये सोच रहा था कि तुम्हारे अम्मा अब्बा के साथ उनके घर में रहेंगे, उनके बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। अब देखो तुम्हारा तुम्हारा भाई तो घर छोड़ के भाग गया, हम बुढ़ापे में उनके साथ रहेंगे और फिर पैसों में भी उनकी मदद हो जाएगी। तुम इतना सोचते हो मेरी अम्मा अब्बा के बारे में? हाँ, क्योंकि तुमसे इतनी मोहब्बत जो करता हूँ, और तुम्हारे अम्मा अब्बा मेरी भी तो अम्मा अब्बा है ना। सच तुम बहुत अच्छी हो।